तो बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, ये ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त भेड़िए और बाघ की दहशत से दहले हुए हैं। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए अलग अलग गांव में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। भेड़िए ने आज एक बच्चे और एक शख्स पर भी हमला किया है। दोनों ही बच गए हैं। दोनों की स्थिति इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाज महसी CHC सेंटर में हो रहा है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार भेड़िए के हमले बढ़ रहे हैं और चार भेड़िए पकड़े जाने के बाद भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी डर का माहौल है वहां पर। साथ ही केवल बहराइच में ही नहीं बल्कि अब सीतापुर में भी आतंक भेड़िए का है, साथ ही बाघ का आतंक लखीमपुर में है। राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। बीती रात उसने दो गांवों में हमला किया, एक छोटे से मासूम के ऊपर हमला किया और दूसरा हमला एक नौजवान के ऊपर किया। दोनों लोग इसी CHC सेंटर में उनका इलाज हो रहा है और खुद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनको देखने के लिए, अधिकारी भी पहुँचे हैं। ये बताइए भैया, आप आपका नाम क्या है? कुन्नूलाल नाम है। कुन्नूलाल जी। ये बताइए कौन सा गांव है? दरैयाकुट्टी। दरैयाकुट्टी जी। कहाँ सोए थे? मकान में। घर के बाहर तो नहीं सोए? मकान में सोए थे। मकान में कौन कौन था? मकान में हमारी पत्नी थी, मैं था। आपकी पत्नी थी और कोई घर वाला था? नहीं, हमारे लड़का था तो छत के ऊपर था। छत के ऊपर लड़का था तो थी तो अपने कमरे में थी। आपकी बहू जो है कमरे में जी? वो दरवाजा बंद था, लेकिन हम बाथरूम करके जब वापस आए चारपाई पर बैठे, तब वो जाकर भैया। चारपाई कहाँ बैठे? बाहर ठीक है, ठीक है, जो 4 बजे अंधेर भी रहता है। बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। मतलब आप होश में थे जब आपका? अभी बैठे थे। मतलब उसका इतना हिम्मत कि आप होश में थे तब भी पकड़ लिया? जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तब पीछे से पकड़ा, तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया, तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए। कटा नहीं होगा उसके दांत से? अच्छा, पकड़े हैं तो कैसे कटेगा वो? तब जब हम मुंह खोला है तो आपने उसके जबड़े को पकड़ लिया? पकड़ लिए। अब तब हम चिल्लाना था, हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी था, हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। हाँ, हम लोग को जानकारी झपटा तब हाथ कहाँ थी? वो है खटिया चार पाई पोड़ने। हाँ, उसे एक बच्चा और छोटा सा है इससे, उसके साथ में यू बीच हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे, और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटिक चार पाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वह खींचे, तब हम देखे तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, भाग गए। आपके गाँव का क्या नाम है? नकाही। दोनों जो दोनों मामला है अलग अलग गाँव का? हाँ, नकाही का मामला ही हो। ये बताइए अकेला वो खूंखार भेड़िया था या दो थे? नहीं, अकेला था। हाँ, अकेला थे। अलग अलग गांव बीती रात है तो कहीं न कहीं अलग अलग ये लोग हमला कर रहे हैं। आप भी नहीं? नहीं थे, नहीं, 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। 5-6 किलोमीटर दूरी पे है इनका दोनों गाँव। हाँ, यानी कि अकेला हमला करने निकल गए? अकेला हमला किया है, लेकिन है इसमें 4-5। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हम आपको बता रहे हैं जो कि आदमखोर के दहशत से डरे हुए हैं, और खासकर अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच के वो 35 गांव हैं जहां के हजारों लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं। आलम क्या है? आलम यह है कि जब शाम होती है, अंधेरा होता है, तो सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि खौफ यही है कि अगला शिकार वो ना बन जाए। इसी बीच 4 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और भेड़िए हैं जिनका आतंक कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। वहां पर क्या हालात हैं, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, जहां के 35 गांवों के हजारों लोग पिछले कई दिनों से आदमखोरों की दहशत में जी रहे हैं, 4 दबोचे गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ भेड़ियों का खौफ बरकरार है। दहशत ऐसी कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। डर ऐसा कि करीब 1.5 महीने से गांव के गांव पूरी रात जागने को मजबूर है, किसी को नहीं पता कब और किस घड़ियों के घर पर मौत दस्तक दे दे। नौ लोगों को मौत की नींद सुलाने और कई लोगों को जख्मी करने वाले आदमखोर ने एक बार फिर से 2 लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसमें एक 55 साल के शख्स के साथ साथ 8 साल का मासूम भी शामिल है।
चार बजे भोर में हमको जानून ने पकड़ा और वो दरवाजा तनी खुला रहा है, वो से झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जो हमारे हाथ में आया पकड़ के जब दाबे हम तब उसने छोड़ा है। जान ना पान किधर से आया है, ओ आओ पकड़ ली इस नट्टी ये पकड़ा तब हम दो हाथ जिससे मारे तो इसे छोड़ा नहीं तब चिल्लाने हम तब छोड़ के भागा है। हरदी थाना इलाके के नकाही और देहरिया गांव में आदमखोरों को देखा गया, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ पाते उससे पहले वो वहां से भाग निकले। लेकिन एक कहावत है ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, तो ठीक उसी तरह अब आदमखोरों का अंत नजदीक है। आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया अपने एक साथी भेड़िए के साथ अभी भी जंगलों और खेतों में छिपा बैठा है। वो बार बार चकमा दे रहा है, लेकिन वन विभाग ने भी उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा दिया है। दोनों ट्रेस हुए थे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। वन विभाग लंगड़े भेड़िया और उसके साथी को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। तैयारी ऐसी है इन आदमखोरों के बाहर निकलते ही इनका जाल में फंसना तय है। आज सुबह भी उसको ट्रैक किया गया था, सुबह भी घेरा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप करके निकल गए। किधर मिला था मैम? ये इसी एरिया में मिला है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली स्लिप करके निकल गया। लेकिन डेफिनेटली अकेला मिला था या दो मिले थे? दो दिखे थे। तो जिस तरीके से इतने अग्रेसिवली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अग्रेसिवली हम लोग इस पे कैंपेन कर रहे हैं भेड़िए को पकड़ने की, मेरे ख्याल से उसमें कामयाबी सिर्फ इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस, भगवान जिस दिन कृपा कर दें उस दिन ये कामयाब हो जाएगा। अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बनाने वाली ये आदमखोर बेहद हिंसक हो गए हैं। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों से इन आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच देर रात दो भेड़ियों को ट्रेस कर दिया गया, जिसमें वो लंगड़ा भेड़िया भी जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैला रखी है। ड्रोन कैमरों में ट्रेस होने के बाद वन विभाग सचेत हो गया है, भेड़ियों को पकड़ने में लगी टीम चौकन्नी हो गई है। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आदमखोर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है। हालांकि आज वन विभाग की टीम ने उसको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वह चालाकी के साथ भाग गया। कहा जाता है कि बहुत ही सातिर और खूंखार यह भेड़िया है, लेकिन मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा है कि बस कुछ घंटों की बात है, हम लोग उसको यहीं पर पकड़ेंगे, चूँकि इसी इलाके में वह ट्रेस हुआ है। हालाँकि ये जो भेड़िया है अपना लोकेशन बदलता है, दिन में वह 15 से 20 किलोमीटर तक मूवमेंट करता है। बहरहाल बहराइच और इसके आसपास के गांवों में खौफ अभी भी बरकरार है, और ये खौफ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है मीनाक्षी। सीतापुर एक ऐसा जिला जहां पर डबल अटैक लगातार देखने को मिल रहा है, डबल टेरर से जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, एक तरफ बाघ और भेड़िया। अभी क्या अपडेट है आपके पास, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्यारेपुर गांव है जहां पर मेरी मौजूदगी है, और यहां पर लोगों ने शिकायत की थी वन विभाग